जय गणेश। मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आज का ये वीडियो है कर्क राशि में चलने वाले राहु जो पुष्य नक्षत्र में चल पड़े हैं 26 अप्रैल 2018 से 3 जनवरी 2019 तक, उसके बारे में है आज का ये प्रेडिक्शन। राहु ग्रह का पुष्य नक्षत्र में होना कर्क राशि में राशि चक्र की 12वीं राशि मीन राशि को और प्रत्येक नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों को कैसा फल देंगे उसके बारे में है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि मीन राशि कैसे बनती है। तो मीन राशि जो है वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का चतुर्थ चरण, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के 4 चरण और रेवती नक्षत्र के 4 चरण ऐसे मिला के मीन राशि बनती है। तो सबसे पहले बात करें कि राहु ग्रह जो है वो आपकी राशि से पंचम स्थान के अंदर है। पंचम स्थान तो वैसे विद्या का स्थान है, प्रणय संबंध का स्थान है। यहाँ से आप शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी ये सब भी देख सकते हैं। साथ में केतु कनेक्टेड होते हैं 11वें स्थान से अंदर, तो मित्रों से भी कैसा रहेगा उसका भी आपको अंदाज मिल सकता है। बिजनेस में कैसा लाभ रहेगा वो भी देख सकते हैं। तो राहु का जो पुष्य नक्षत्र में होना मीन राशि में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए राहु का जो फल है, राहु आपके संपत तारा में चल रहे हैं। तो संपत तारा के अंदर राहु ग्रह का जो भ्रमण है वो आपके लिए बहुत शुभ है। आपको ये राहु कुछ ना कुछ लाभ करवा के ही जाएंगे। 3 जनवरी 2019 तक राहु ग्रह का भ्रमण आपके लिए बहुत शुभ है। जो भी जातक पढ़ाई कर रहे हैं इनके लिए ग्रैंड सक्सेस है। जो भी जातक का कार्य शेयर बाजार के रिगार्डिंग कोई कार्य है तो उनमें उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि राहु आपके संपत्ति तारा में चल रहे हैं। राहु आपको यदि आपका कुछ कार्य एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एब्रॉड कनेक्शन के साथ रिलेटेड है तो भी उसमें आपको बेनिफिट रहेगा, मित्रों से लाभ रहेगा। तो पूर्व भाद्रपद मीन राशि में जन्मे हुए जातकों के लिए राहु का फल बहुत शुभ है। अब देखते हैं मीन राशि में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के राहु कैसा फल देंगे उसके बारे में। तो मीन राशि एवं उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे हुए जो भी जातक है इनके लिए जो राहु का ये फल है, राहु आपके जन्म तारा के अंदर चल रहे हैं। तो जन्म तारा के अंदर जो राहु का फल है वो मध्यम फलदायी माना जाता है, न ज्यादा शुभ न ज्यादा अशुभ। तो आपके लिए भी राहु का फल शुभ है। हालांकि जो भी जब तक पढ़ाई कर रहे हैं उनको अपनी पढ़ाई के अंदर विशेष केयर करना होगा, और खास करके जो भी जब तक शेयर बाजार के साथ कनेक्टेड हैं उनको कोई गलत डिसीजन ना ले, अन्यथा आपको लॉसेस आने की संभावना रहेगी। और मित्रों के साथ भी आपको रिलेशनशिप में थोड़ा केयर करना होगा, क्योंकि केतु आपके 11वें स्थान के अंदर चल रहे हैं। और मीन राशि एवं रेवती नक्षत्र में जन्मे हुए जो भी जातक है इनके लिए राहु का पुष्य नक्षत्र में होना बहुत शुभ है। तो आपके लिए राहु अति मित्र तारा में चल रहे हैं। अति मित्र तारा में आपके लिए बहुत राहु का फल जो है वो बहुत शुभ है। पढ़ाई में आपका प्रोग्रेस होता है, पढ़ाई आपकी छूट गई है तो पुनः आपका पढ़ाई में प्रवेश हो सकता है। जो भी जातक का मित्रों के साथ अनबन हुआ है तो पुराने मित्र आपको फिर से मिल सकते हैं, लव मैटर में सक्सेस रहेगा। और एब्रॉड कनेक्शन और एब्रॉड रिलेशन से भी आपको लाभ रहेगा। तो राहु का पुष्य नक्षत्र में होना आपके लिए शुभ है। राहु ग्रह की शांति के लिए आप मेंढे को खिला सकते हैं। हिंदी में इसको भेड़िया या तो शीप, इंग्लिश में इसको शीप कहते हैं, जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है भेड़िए को खिलाइए, और कुत्ते को दूध रोटी खिला सकते हैं, भैंस को खिला सकते हैं, घोड़े को खिला सकते हैं। यदि आप अपने पर्सनल हॉरोस्कोप कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो नंबर अवश्य नोट करें, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी अवेलेबल है, 9998011838। इस नंबर पर व्हाट्सएप भी अवेलेबल है। ऐसे ही देखते रहिए नए नए चैनल के ऊपर प्रेडिक्शन, और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को भी चैनल सब्सक्राइब करें ताकि उनको भी प्रेडिक्शन का लाभ मिल सके।